ये क्या किया सर? जैद भी बाइक को अंदर लेके जा रहे हैं। एसबी और इंजन वाइज भी इसको सेटवेट कर देंगे और फिर देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है इसका। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमें एक जो वीडियो है उसका टॉपिक है रिस्टोरेशन के बारे में। तो आज हमें काफ़ी मशहूर बाइक होंडा सी जी 125 को रिस्टोर करने लगे हैं। ये मेरे दोस्त जैद का बाइक है जिसने मेरा लास्ट व्लॉग में जो मेरा यूनाइटेड वाला व्लॉग था जिसमें उसने मेरा रिव्यू लिया था यूनाइटेड का, तो आज उसका बाइक है। काफ़ी टाइम बाद इन्होंने निकाला है, बाइक की हालत भी अब दिखाएँ थोड़ा व्यूवर्स को। तो इसको हम घर में ही रिस्टोर करेंगे, जो उन सी जगह वहाँ पर हम स्प्रे बॉटल्स ले हैं और जो उन सी जैसे इसकी सीट वगैरह ख़राब है, चेन कवर नहीं थे वो हमने ऑर्डर कर दिए, बैक लाइट, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आज हम इस बाइक को कंप्लीट घर में रिस्टोर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या एंड में रिजल्ट निकल के आता है। तो जी जैद भी अब बताएं आप हमारे व्यूअर्स को कि क्या आपने सोचा अब इसको रिस्टोर करने का। ये एक्चुअली जो है ना काफ़ी टाइम से पड़ा रहा घर, तो गाड़ी ले ली थी, गाड़ी चलाते रहे। अभी आगे यूनिवर्सिटी के लिए इसको तैयार कर रहा था। एक्चुअली इसके मेन काम ये थे कि इंजन के काम वगैरह कर रहे थे, इसके टैपर्ड वगैरह आउट थे, टाइमिंग आउट थी, वो सेट करवाए हैं, ट्यूनिंग वगैरह करवाई है, अभी बॉडी के पार्ट्स हैं वो ऑर्डर करवाए हैं। ये है कि थोड़ा बॉडी वाइज भी और इंजन वाइज भी इसको सेट वेट कर देंगे और फिर देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है इसका। बस मेरा इतना ही कॉन्फिडेंस। तो बस ये कुछ इस मोटरसाइकिल के रिज़ल्ट हैं। अभी बस उसका हमने खोल खोल के रखा हुआ है, ऊपर इसका सामान वगैरह पड़ा हुआ है जेन्युइन जो है। अभी बस इस पर जो है हम पेंट शेंट मारेंगे, वो हम स्प्रे की बॉटल लाए हुए हैं, तो बस अभी यहाँ पर इस पर पेंट शेंट मारेंगे। जैद भाई तेजाब शराब लेने गए हैं, इसको थोड़ा जो है इसका जो फ्रेम है यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं आप कि जैसे थोड़ा बहुत रंग लगा हुआ है तो ये साफ़ हो जाएगा सारा। इंजन पर भी थोड़ा सा है, यहाँ पर हल्का सा हम तेजाब वाला ब्रश मारेंगे, यहाँ पर ये मिट्टी देख लें ये साफ़ हो जाएगी सारी। अभी वो लेने गया हुआ है तेजाब वगैरह ले, फिर वो मार के इसके ऊपर हम पेंट शेंट मारते हैं और वीडियो के एंड में देखते हैं कि क्या फाइनल लुक आई है। तो अभी यही है कि अभी पहले इसका फ्रेम श्रेम साफ़ करेंगे हम। पेंट मारने से अच्छा यही है कि पहले जो है चीज़ को आप अच्छी तरह साफ़ कर लो, फिर उसके बाद जो है उसको एक ही बार उस पर पेंट मार दिया जाए ताकि उसकी पकड़ शकड़ जो है वो सही हो जाए। तो अभी देखते हैं। तो वह जैद भी आ रहे हैं तेजाब सेजाब ले के, ऐसे गया तो था कि खुआरी होगी लेकिन नहीं, चलो शुक्र है ले आया। अब देखते हैं। तो जी ये कोई नया ही हम केमिकल बना रहे हैं इसको साफ़ करने के लिए, जैद भी लगे हुए हैं केमिकल बनाने। क्या जी क्या होगा फिर, आपको क्या लगता है कि सही बनेगा कि क्या? तो साफ़ हो जाएगी या फिर चंद पर। ये तो है, चलो जी केमिकल बनाते हैं बिस्मिल्लाह। लें जी ये हमारे प्रोफेसर दानियाल अख्तर केमिस्ट्री में टॉप करने के बाद नया केमिकल बना के तो कोई ना क्या हो केमिस्ट्री में, इसीलिए तो यार बोल। अब फाइनली जैद भी बाइक को अंदर लेके जा रहे हैं। जैद यार मैं तो कहता हूँ कैफे रेसर बना देते, क्या कहते हो? ना बनाए कैफे रेसर, जितना बाइक खोल लिया कैफे रेसर फिट लगेगा। ये सारा इसका फारिक सामान जो था वो हमने उतारा हुआ है, अब इस पर न्यू सामान जो है लगने वाला वो भी लगाएंगे।
अभी आगे ड्रम की बारी आने लगी है और ये हमारा टॉपर बिल्कुल रेडी है। ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू जेन्युइन निकले। सामान और ये पुरानी टंकी पड़ी है, पुरानी सीट पड़ी है, ये तो इसको वापस ला देगा। ये हमने नई टंकी शंकी ली है तो उसके ऊपर जो है बस ये थोड़ी बहुत स्टिकरिंग किया और जो है उसकी पतरी छटी है, नट बोल्ट को पेंट शेंट किया और बाइक फुल रेडी है इस टाइम। अभी बस इसको बाहर निकाल के असम्बल करेंगे, हैंडल के नट लगाएंगे। ये आप शाइन देख सकते हैं माशाल्लाह, न्यू सीट, न्यू ये जो है चेन कवर यहाँ पर है और इसमें मैं आपको चापे दिखाता हूँ, टंगी के साथ किटाते हैं। बस इसको बाहर निकाल के असेंबल करते हैं। तो वो फाइनली बाइक बाहर आ चुका है, अब हम इसको जो है इस पे चीज़ें जो इसकी हैं वो इंस्टॉल करते हैं। बाकी आप देख सकते हो माशाल्लाह काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है मोटरसाइकिल, तो बस अब इसकी जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल करते हैं। तो भाई फाइनली ये निकल चाहिए लेकिन माशाल्लाह काफ़ी साफ सुथरा मोटरसाइकिल लग रहा है। ये आप देखें क्या था क्या हमने इसको बना दिया बाइक को, बस थोड़े पेंट की मदद से बस घर में ही हमने मोटरसाइकिल को बड़ा बेहतरीन बना दिया। मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ, ये देखें। अच्छा टापे इसके जो हैं वो हमने पेंट करके ऊपर ये वाइट टेप और ये रेड टेप से खुद ही हमने टेपिंग की और ये बस ऐसी बाहर से आफ्टर मार्केट मिल जाता है। इंजन पे हमने पेंट किया है, ये आप देख सकते हैं, चेन कवर न्यू है और सीट इसकी यहाँ पर हमारी ये लाइट न्यू डली है, सीट न्यू डली है और चेन कवर वगैरह न्यू डला है, ठीक है। टंकी हमने दूसरी लगाई हुई है और बाकी ये जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं सेंसर, ये बफ हो जाएगा और न्यू क्रोम निकल आएगा और जो भी इसकी चीज़ें क्रोम होने वाली, जैसे ये हैंडल सेंडल क्रोम हो जाएगा और ये क्या किया सर, तो लाइट नहीं ऑन करनी थी तो लाइट ऑन करनी थी, ये क्या किया है ये देखें जी जैद भाई के जुगाड़ देखे, अभी मोटरसाइकिल पे पेंट किया इन्होंने सर, कसम से तेरे पे। बाकी आगे ये चीज़ क्रोम हो जाएगी और ये चीज़ भी क्रोम हो जाएगी और बाकी सारा बेहतरीन हो गया बाइक। चलें जैद भाई इसको स्टार्ट करें और उतार दे भाई, और ये सब करने के लिए आपकी जेब में कम से कम 30-34 हज़ार रुपये होना चाहिए। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, पहले स्टार्ट करें बाइक को माशाल्लाह, पहली किक पे स्टार्ट हो गया भाई। सो गाइस ये था आज का व्लॉग, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि रिस्टोरेशन ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जैद भाई, ओके अल्लाह हाफिज़।